लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जग्गू का खून धर्मा ने ही किया है। अदालत धर्मा को गुनहगार मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो कमला? हाँ ठीक हूँ। नमस्ते मौसी। नमस्ते। ठीक हो ना? नमस्ते। ए छोकरी, तू ही है ना धर्मा की बहन? हाँ क्यों? धर्मा कहाँ है? मालूम नहीं। ए, सच सच बता दे वरना ऐसी हालत करूंगा कि तेरा भाई तेरी शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा। शक्ल तो तेरी मैं बिगाड़ूंगा सारे, कि तेरा मालिक भी तुझे पहचान न सके। धर्मा, तुम गोरख, मेरे इलाके से मेरा नाम मिटाने का ख्वाब छोड़ दो वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। हम तुम्हें मिटाना नहीं, कुछ बनाना चाहते हैं धर्मा। मगर हमारी ये बात
ना तो मानते हो और ना सुनते हो। धर्मा किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ अपनी बात सुनाना जानता है। एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम्हारे किसी आदमी ने मेरे इलाके में कदम रखा तो उसकी लाश ही वापस आएगी। क्यों जग्गू दादा, कहां गई तुम्हारी बहादुरी, कहां गई तुम्हारी ताकत है? जाने से पहले तो सर उठाकर कह रहे थे कि जग्गू दादा को शेर का शिकार करना खूब आता है, अब क्या हुआ, झुकी ना गर्दन? छोटे। हाँ बड़े। ये बिल्ली मार शेर का शिकार क्या करेगा? बिल्कुल नहीं। जाओ मियाँ, जाकर कहीं चूहे ढूंढो। थर्मा को मिटाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरे बस में क्या है और क्या नहीं है सेठ, ये मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा। थर्मा ने जो मेरी आंखें अपने इलाके और तुम लोगों के सामने झुकाई है, अब मैं भी उसकी आंखें सारी दुनिया के सामने ना झुका दूं तो अपने बाप की औलाद नहीं हराम की औलाद हूंगा, हराम की। आखिर ये सब कब तक चलेगा भैया? मैं पूछती हूँ, ये खून खराबे की जिंदगी कब तक जियोगे तुम? गुंडागर्दी दादागिरी का नतीजा तो देख लिया ना, आज एक चक्कू बीच बाजार में तुम्हारी बहन के बाल खींचने की जुर्रत की, कल कोई दूसरा चक्कू उसका आंचल भी तो खींच सकता है। धर्मा की बहन का आंचल खींचने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, अगर किसी ने हिम्मत की तो उसी आंचल को उसका कफन बना दूंगा। फिर भी नतीजा तो वही होगा ना, खून खराबा। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है भैया। जरा सोचो भैया, जब भी तुम मोहल्ले से गुजरते हो, इंसान तो इंसान, पंछी परिंदे भी डरते हैं, और ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंसान जहां भी रहे प्यार और इज्जत से रहना चाहिए। तो समझती है मोहल्ले वाले तेरे भाई की इज्जत नहीं करते? इज्जत? इज्जत तो वो इसलिए करते हैं भैया क्योंकि वो लोग तुमसे डरते हैं। इस जमाने में जो डरता नहीं वो किसी की इज्जत नहीं करता। इस मोहल्ले के लोग भी मेरे डर से यहाँ स्मगलिंग नहीं करते, चस गांजा नहीं बिकता यहाँ, लड़कियों का व्यापार नहीं होता। वो कुत्ता जिसे मैंने आज सबक सिखाया है वो भी इस मोहल्ले में यही करने आया था, मगर मेरे जीते जी यहाँ किसी की हिम्मत नहीं जो गंदे काम कर सके। चलेगा भैया, ये खून खराबे की जिंदगी कब तक जियोगे तुम? गुंडागर्दी दादागिरी का नतीजा तो देख लिया ना, आज एक चक्कू बीच बाजार में तुम्हारी बहन के बाल खींचने की जुर्रत की, कल कोई दूसरा चक्कू उसका आंचल भी तो खींच सकता है। माँ की आंख ऐसे जग्गू की, ऐसा जग्गू पैदा नहीं होगा। ये सारे खुश रहते हैं क्या पी रहे मजे में सारे? अरे जल्दी दारू जल, अब भंग भी जाएगी भंग। अरे लाओ chikabam bam bam chikabam bam bam chikabam bam bam
भंग ने रंग जमाया पीते संग समझ में आया भंग ने भंग ने रंग जमाया पीते संग समझ में आया मैं कैसा बन गया मैं वैसा बन गया मैं कैसा बन गया मैं वैसा बन गया जैसा इस दुनिया ने बनाया भंग ने रंग जमाया पीते संग समझ में आया भंग ने रंग जमाया पीते संग समझ में आया
Thank you. Of course. I love you too. Bye bye. धर्मा भैया, तू जानता है कन्ना मेरी बहन है? क्या समझ कर उसे घुमाने ले गया था? बोल नहीं तो तेरी जान। धर्मा भैया, एक मिनट मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। मैं माफी चाहता हूँ कि आपकी इजाजत के बगैर मैं कम्मू को घुमाने ले गया था। सुनिए, विजय और कम्मू एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ धर्मा भैया, दीदी जो कहती है वो सच है। कम्मू से बात करूंगा, अगर उसने कहा ये बात ठीक है तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। कमा, ए कमा, क्या बात है भैया? तेरा विजय से क्या रिश्ता है? कमा, तेरी खामोशी मुझे कुछ भी करने पे मजबूर कर दे। सच सच बता, इससे पहले कि मेरा गुस्सा कहर बन के उस पर टूट पड़े, वो कहता है कि वो तुझसे शादी करेगा? वो सच कह रहा है भैया। ऊंचे बंगलों में रहने वाले बिगड़े रईस जादों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये प्यार के झूठे वादे तो कर लेते हैं, निभाने इनके खून में नहीं। ऐसी बात नहीं है भैया, विजय और उनकी बहन उन अमीरों में से है जिन्हें दौलत के साथ साथ शराफत भी विरासत में मिली है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मैं जानती थी तुम यकीन नहीं करोगे, इसीलिए इसके बारे में मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। लक्ष्मी बहन तो खुद कह रही थी कि वो रिश्ते के लिए बात करने आएगी। वो बेचारी कैसे आएगी? मैं उसे गुस्से में ना जाने क्या कुछ कहकर आ गया हूं। तो एक काम कर, मेरी तरफ से विजय से माफी मांग लेना, कहना मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अच्छा। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं कम्मू, धर्मा भैया ने वही किया है जो एक भाई को करना चाहिए। हाँ मैं नाराज जरूर होता अगर वो हमारी शादी पर राजी न होते। कैसे राजी नहीं होते? मुझे मेरे भैया पर पूरा यकीन है, अब तो वो ये सपना भी देखने लगे हैं कि कब हमारी शादी जल्दी से हो जाए। और जग्गू के होते हुए धर्मा का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम? हाँ मैं। धर्मा की बर्बादी, धर्मा ने मुझ पर हाथ उठाने की गलती की है, अब मैं उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा। और मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए तो जग्गू, तेरी मौत का सामान अपने साथ लेकर आया है। Thank you.
मैंने कम्मू को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन उसकी इज्जत नहीं बचा सका। क्या कह रहे हो? कौन था वो? चक्कू, चक्कू। देखा गोरख सेठ, जो कहा था सो कर दिखाया ना। बड़ी हेकड़ी दिखाता था धर्मा, मैंने भी उसकी हेकड़ी का अंजाम दिखा दिया। अब धर्मा को मारने की जरूरत नहीं है पारस सेठ, क्योंकि अब तो वो शर्म से खुद ब खुद मर जाएगा। जग्गू, शर्म से अगर कोई मर सकता तो हम दोनों पैदा होने से पहले मर गए होते। हम उसे शर्म से नहीं जान से मारना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। जब तक वो धर्मा का बच्चा मरेगा नहीं, हमारा कल्याण होगा नहीं। अपना कल्याण तो हो गया समझो पारस सेठ। ये मजाक का वक्त नहीं है जग्गू। मैं धर्मा को अच्छी तरह से जानता हूं। इससे पहले कि वो हम दोनों तक पहुंचे उसे खत्म कर दो। तुम फिक्र ना करो सेठ, कल सुबह का सूरज धर्मा की मौत का संदेशा लेकर आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तो कल रात का चांद तुम्हारी मौत का संदेशा लेके उगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा सेठ। सामने दिलेरी किसी की नहीं चल सकती धर्मा। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हमें मौत के हवाले करने की तुम्हारी तमन्ना अधूरी रह गई, क्यों छोटे? हाँ बड़े, और इसे कानून के हवाले करके सजाए मौत दिलवाने की हमारी तमन्ना पूरी हो गई। ये सरासर झूठ है योर ऑनर, और मैं इस झूठ को सच साबित करने के लिए विटनेस बॉक्स में खड़े मिस्टर विजय से चंद सवाल करूंगा, जो कि मुलजिम धर्मा के बयान के मुताबिक हालात और मौका वारदात के चश्मदीद गवाह हैं। इजाजत है? हाँ। तो मिस्टर विजय, क्या यह सच है कि मिस कमला, जिससे आपकी शादी होने वाली थी, उसकी इज्जत जग्गू ने आपकी आंखों के सामने लूटी? जग्गू ने इज्जत लूटी? जी हाँ। मेरी आंखों के सामने? हाँ। ये आपसे किसने कहा? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो नहीं हिल गया? अरे तुमने तो आकर मुझसे सब कहा था। विजय, वही कहो जो मुझसे कहा था। साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। झूठ तो आप बोल रहे हैं धर्मा भैया, अपने आप को सजा से बचाने के लिए। बहन की इज्जत लूट जाने का बहाना बनाने वाला आप जैसा भाई मैंने पहली बार देखा। विजय, ऑर्डर ऑर्डर, धर्मा को हिरासत में ले लिया जाए। झूठ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। झूठ की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आ,
क्या हुआ पांडू? लगता है सर धक्का मारना पड़ेगा। हवलदार धक्का मारो। ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? लगता है ये लोग आ गए। आप झूठ तो आप बोल रहे हैं धर्मा भैया, अपने आप को सजा से बचाने के लिए। बहन की इज्जत लूट जाने का बहाना बनाने वाला आप जैसा भाई मैंने पहली बार देखा। ये क्या हो गया आपको? क्या किया तूने? ये क्या किया तूने? तेरी बहन की इज्जत लूट ली मैंने, अच्छा अदालत में, और चीख चीख करके कि धर्मा ने मेरी बहन की इज्जत लूट ली है। अब पता चलेगा तुम्हें कि कोई भाई अपनी बहन की इज्जत लूट जाने का छोटा सहारा नहीं लेता। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी बहन की इज्जत लूटी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जिंदा है क्या माँ? मेरी बहन? मत कहो मुझे बहन। किसी बहन की इज्जत लूटने वाला किसी बहन का भाई नहीं हो सकता। कमो तो नहीं जानती, इसने अदालत में मेरे खिलाफ कैसा चेहरा उखला है। मैं सब जानती हूँ। इन्होंने अदालत में जो भी कहा, जो भी किया, सिर्फ मेरी इज्जत बचाने के लिए, तुम्हारी उस बहन की जिंदगी बचाने के लिए जिसे तुम अपनी जिंदगी समझते थे। क्या? हाँ, और इज्जत लूट जाने के बाद मैं जीना भी नहीं चाहती थी। वो तो विजय ने मुझे जीने का सहारा दिया, लूटी हुई इज्जत को इज्जत दिया, उसे शादी करके अब तुमने इज्जत लूट ली इनकी बहन की। हे भगवान, मुझे तो तुम्हें भाई कहते हुए भी शर्म आती है। इतने नीच और जलील इंसान हो तुम। हाँ कमो, सही है मेरी बहन, मेरी जगह कोई और भी होता उससे ये गलती हो जाती। मैंने पाप किया है, अपने भाई को माफ कर दे कमो, माफ कर दे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। आज से मैं तुम्हारे लिए मर गई हूँ और तुम मेरे लिए मर गए हो। नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम भाई नहीं, जानवर।
मैं अपने आप को कानून के हवाले करूंगा, शायद तो भी मेरा पश्चाताप पूरा ना हो। ऑनर, ये धर्मा नाम का खतरनाक मुजरिम है जिसकी अदालत से पहचान कराना जरूरी नहीं है, क्योंकि अदालत इससे और इसकी जलील हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ है। ये वो खतरनाक मुजरिम है योनर, जिसने चंद रोज पहले आप ही की अदालत में लक्ष्मी के भाई विजय पर कातिलाना हमला किया और फिर उसी रोज जेल जाते वक्त पुलिस की हिरासत से फरार होकर ये सीधा विजय के घर जा पहुंचा योर ऑनर, और उसकी मासूम बहन लक्ष्मी की इज्जत लूट ली। नहीं जज साहब, नहीं, वकील साहब झूठ बोल रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर, मैं सच बोल रही हूँ जज साहब, इन्होंने मेरी इज्जत नहीं लूटी, ये निर्दोष है, ये निर्दोष है जज साहब, ये निर्दोष है। लक्ष्मी, तू पागल तो नहीं हो गई? जज साहब ये झूठ बोल रही है, इसकी बात मत सुनिएगा। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी, आप बैठ जाइए। लक्ष्मी के बयान को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि धर्मा पर लगाया गया इल्जाम सच नहीं है, उसे सिर्फ शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। अदालत धर्मा को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी करती है, लेकिन साथ ही जग्गू के खून के जुर्म में और पुलिस हिरासत से फरार होने के जुर्म में अदालत धर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाती है। ऐसा क्यों किया आपने? इसलिए कि मेरी मां मुझे हमेशा शिक्षा दिया करती थी कि नारी के बदन को छूने का अधिकार उसके पति के सिवा और किसी को नहीं होता। आपने मुझे जबरदस्ती से छुआ जरूर, मगर उसके पीछे गलतफहमी और बदले की भावना थी। यही सोचकर मैंने आपको माफ भी कर दिया और स्वीकार भी कर लिया। चलो लक्ष्मी, चलो कम्मू। लक्ष्मी, चल। विजय जी, जरा मेरे साथ आओ। आइए डॉक्टर साहब। क्या हुआ डॉक्टर साहब? लक्ष्मी मां बनने वाली है। क्या? मां बनने वाली है? क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? खुद पूछ लो इससे। भरी अदालत ने मुझे झूठा साबित कर दिया, यह कहकर कि मेरी इज्जत नहीं लूटी गई। सारी दुनिया ने मुझे जलील किया और खुद धर्मा की नजर में देवी बन गई। अरे दुनिया वाले कल पूछेंगे कि तुम्हारी कोख में किसका बच्चा पल रहा है, तो क्या जवाब दोगी? कोई जवाब है? दुनिया तुम्हें घटिया से घटिया नाम देकर गाली देगी, फिर क्या जवाब दोगी? तू तो जीते जी मर गई लक्ष्मी, लेकिन साथ में मुझे भी मार डाला। ये क्या कह रहे हो तुम? भला कोई भाई अपनी बहन से इस तरह बातें करता है? तुम चुप रहो कमू, ये बहन नहीं डायन है, डायन जो अपने साथ साथ मेरी इज्जत को भी खा गई। मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है, और जब तक ये मेरी नजरों के सामने रहेगी मैं तिल तिल टूटता रहूंगा और पल पल मरता रहूंगा। कहां जा रही हो लक्ष्मी? भाई की बातों का? इसका भाई मर चुका है और ये तो अदालत में ही मर चुकी थी मेरे लिए। जाने दो इसे कमू। लेकिन विजय, तुम्हें मेरी कसम कमो, जाने दो इसे, मैं जीते जी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। विजय, ये क्या किया तुमने? उसे रोक लो, भगवान के लिए उसे रोक लो, वरना पता नहीं वो क्या कर बैठी थी। खुदकुशी जो उसे कर लेनी चाहिए, अगर वो नहीं करेगी तो मुझे करनी पड़ेगी। विजय। हाँ कमो, लक्ष्मी के लिए बेहतर यही होगा कि वो मर जाए। भरी अदालत ने मुझे झूठा साबित कर दिया, ये कहकर कि मेरी इज्जत नहीं लूटी गई। सारी दुनिया ने मुझे जलील किया और खुद धर्मा की नजर में देवी बन गई।
अरे दुनिया वाले कल पूछेंगे कि तुम्हारी कोख में किसका बच्चा पल रहा है, तो क्या जवाब दोगी? कोई जवाब है? दुनिया तुम्हें घटिया से घटिया नाम देकर गाली देगी, फिर क्या जवाब दोगी? तू तो जीते जी मर गई लक्ष्मी, लेकिन साथ में मुझे भी मार डाला। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। क्या? हाँ धर्मा, मैं सच कह रहा हूँ, लक्ष्मी ने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। वाकई बेटी तेरी कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। ना ना नहीं बेटे, रोते नहीं हैं। अरे इसमें तेरा क्या गुनाह जो तू अपनी जिंदगी तबाह करने को चली है? देख बेटे, जिंदगी अल्लाह से किया हुआ वो वादा है जिसे हर हाल में निभाना पड़ता है, और फिर उस जन्म लेने वाले बच्चे का क्या गुनाह? लेकिन बाबा। नहीं कुछ नहीं, मैं तुझे इतना बड़ा जुर्म करने नहीं दूंगा। तूने किसी माली को अपने हाथों अपना बाग उजाड़ते देखा है? अरे खुदा ने तेरी जिंदगी बचाने का सुनहरा मौका इस नाचिस बंदे को बख्शा है। अब ये जिंदगी तेरी नहीं बेटे, तेरे पास मेरी अमानत है, तुझे जीना है बेटे, आज से तू मेरी बेटी बन के जिएगी। हाँ बेटे, वहां तेरे घर मोहल्ले वाले, यहां तक के शहर वाले ये सोच रहे हैं कि तू मर चुकी है। उल्लू कपटे कहते थे कि तू धर्मा के बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए तूने आत्महत्या कर ली। ए रानी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि तू नहीं मर सकती, क्योंकि जो औरत अपनी इज्जत लुट जाने के बाद भरी अदालत के अंदर ये कह दे कि उसकी इज्जत नहीं लुटी, वो कैसे मर सकती है? ए रानी, और अच्छा हुआ ना कि तू मरी नहीं, अगर तू मर जाती तो मुझे कहां से मिलती? अच्छा ये तो बता, तू रहती कहां है? क्या मतलब? मतलब साफ है, पहले तू धर्मा पे मेहरबान हुई थी, अब थोड़ी सी मेहरबानी मुझ पर भी कर दे। चौकी के पीछे मेरा ठिकाना है,
अंधेरे होते वहां पहुंच जाना। देख, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और मेरा रोज रोज का इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा, समझ गई ना? दिलावर, औरत जब चुप रहती है तो समझ लो कि उसकी हाँ होती है। लगता है आज की रात तेरी किस्मत में उजाला हो जाएगा, इसका पता तो मैं निकाल ही लूंगा। हाय, बहुत देर तक तेरा इंतजार किया, तो नहीं आई ना, इसलिए मैं खुद ही चला आया। क्यों, अच्छा किया ना? अब घर में कोई है तो नहीं ना? मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। जिंदगी हाथ जोड़ने से नहीं, हाथ पकड़ने से बनती है रानी। फिर ऐसी नीरस जिंदगी जीने का मजा ही क्या है? जिंदगी तो रस भरी होनी चाहिए, रस भरी। आज मैं तुझे जिंदगी का ऐसा रस चखाऊंगा जिसे तुम अपनी सारी जिंदगी नहीं भूल पाओगी। अनीश, कमीने, कौन है तू? शरीफों के घर में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे अपनी जुर्रत दिखाऊंगा बुढ़े, दिलावर से दिलेरी। अरे रामू, शेरू लाखन, अरे कोई दौड़ो, मेरी बच्ची को बचाओ। अरे क्या हो गई चाचा, बात क्या है? लखन भाई, खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को बचा लो, वो जलील दरिंदा मेरी लक्ष्मी को बेइज्जत कर रहा है, उसे बचा लो। बेइज्जत उसे किया जाता बुढ़े, जिसकी कोई इज्जत हो। इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ मैं इंस्पेक्टर दिलावर, शायद आप लोगों को मालूम नहीं, शरीफों के मोहल्ले में रहकर इज्जत बेचने का धंधा करती है ये। रंगे हाथों पकड़ी गई तो चिल्लाती है साली चोर। खबरदार, अगर मेरी माँ पर हाथ उठाया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाह हराम के पिल्ले, वाह, तेरी जबान तो तेरी माँ से भी ज्यादा चलती है। दिलावर से दिले, जरा अपनी माँ से तो पूछ ले कुत्ते कि तेरा बाप कौन है, किस बाप की औलाद है तू? पूछ, पूछ सती सावित्री से, देख कितने बाप है, पूछ इसे। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो इंस्पेक्टर, मेरी बेटी पर इतना कहमत था, ये पाक है। पाक होगी तेरी नजर में बुढ़े, लेकिन कानून की नजर में एक वैश्या है वैश्या। और ऐसे धंधे दिलावर के होते हुए इस इलाके में नहीं चलेंगे। समझा दे अपनी इस नोट छापने वाली मशीन को कि अगर ये कल सुबह तक मुझे यहां नजर आई तो तुम दोनों को अंदर कर दूंगा, समझे? रामू, शेरू, तुम तो जानते हो कि मेरी बेटी गंगूबाई, तुमको तो मुझ पे यकीन है ना? बेटी, मंगल, मंगल, मंगल कहाँ है? बाबा, मंगल कहाँ चला गया? मंगल, जरा अपनी माँ से तो पूछ ले कुत्ते कि तेरा बाप कौन है, किस बाप की औलाद है तू? पूछ, पूछ सती सावित्री से, देख कितने बाप है, पूछ इसे, पूछ इसे, कितने बाप है तेरे? मेरा कोई बाप नहीं, मेरे बाप का कोई नाम नहीं है। उस पत्थर से कौन टकराएगा साहब?
थारी बात इतनी महंगी पड़ जाएगी कि जेब और गल्ला दोनों खाली हो जाएगा, या तो फिर बत्ती से हाथ में आ जाएगी। लेकिन इस तरह दुकान बंद करने का मतलब? मतलब तो हम कतई कुछ न जाने हैं, बस जाने हैं तो इतना जाने हैं कि यहाँ पर हफ्ते में 2 बार दुकान बंद करने का ऑर्डर है। इतवार के दिन सरकार बंद करावे हैं और मंगलवार के दिन अगर हफ्ता ना दे तो मंगल बंद करावे हैं। यही तो हम तुम्हें कब से समझा रहे लाला, अब मंगल से डरने की कोई जरूरत नहीं। दुकान खुली रखो, आज से पुलिस तुम्हारे साथ में है। अरे रे, तुमने हमारी दुकान को शटर ऊपर कर दियो है? मंगल हमारी जिंदगी को शटर डाउन कर देवेगो। अरे तुम क्यों हाथ धोकर मारी जान और दुकान के पीछे पड़े हो? अरे पुलिस खुद मंगल का नाम सुनकर अपना शटर डाउन कर लेवे है, फिर तुम क्यों? देखो लाला, बाकी भी दुकानें सब खुल चुकी हैं और हर दुकान पर एक एक CBI ऑफिसर की ड्यूटी लग चुकी है। आज से इस बाजार में मंगल तो क्या मंगल का साया भी नजर नहीं आएगा। देखा, साया तो दिखाई दिया, अब मारो सायो, मारो साथ छोड़कर चले जावे को। कौन सो भजन गाऊं कि मारो प्राण बच जावे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। साय कोटा नजदीक आ रही हो। क्यों लाला, आज मंगल का हफ्ता दिए बगैर ही दुकान बंद करके जा रहे हो? क्या बात कर रहे हो मंगल, थारे को हफ्तों ना देकर मारे को परलोक थोड़े ही जानो है। ये लोग भक्त जनों के संकट दूर करो। नहीं मंगल, आज से तुम्हें कोई हफ्ता नहीं देगा। अरेस्ट हैं। हमारे होते हुए, DCP दिलावर सिंह के होते हुए इस इलाके के अंदर गुंडागर्दी पनप रही है और हमें खबर तक नहीं। हम चाहे तो हफ्ते से मंगल का दिन ही निकाल दें, सीधा सोम से बुध आए, मंगल का नाम और निशान दुनिया से मिटा दें। लेकिन सिर्फ लेकिन कुछ नहीं, नाम तो बहुत सुना है, सिर्फ देखना बाकी है कि कौन है ये मंगल जिसकी दिलेरी तुम्हारी जुबान से टपक रही है। एक बार उसे देख लूं, उसे ऐसे अंदर करूंगा कि उसकी कहां है वो। धर्मा, मंगल, जरा अपनी मां से तो पूछ ले कि तेरा बाप कौन है, किस बाप की औलाद है तू, बाप की औलाद है तू, पूछ इससे, कितने बाप है तेरे, पूछ। क्यों आ गया ना पसीना? दिलावर के सामने दिलेरी दिखाने वाले हर इंसान को पसीना ही आता है। तेरी मां की आज सब दिन गिनने शुरू कर दे दिलावर, अब तो जिंदा नहीं रहेगा। वाह पट्टे वाह, इतनी दिलेरी वो भी दिलावर के सामने। अंदर कर दूंगा, नहीं अंदर नहीं करूंगा, अब जो कुछ करूंगा बाहर ही करूंगा। जो हाथ आज तूने मुझ पर उठाए हैं वो भी मेरे ही पुलिस स्टेशन में, चाहूं तो इन हाथों को तोड़कर तेरी गर्दन से लटका सकता हूं, मगर नहीं, लटकाऊंगा मैं तुझे तेरे इलाके में और उन टूटती हुई हड्डियों की आवाज सुनाऊंगा उन कमजोर काय लोगों को जिनकी खोखली हड्डियों को तोड़कर तू वहां का शेर बना हुआ है। वहां निकालूंगा मैं तेरी दिलेरी। मार्केट वालों, देख लो तुम्हारे इलाके के इस दादा की दिलेरी को तुम लोगों के सामने इसलिए निकाली ताकि तुम लोगों के दिल में जो इसका खौफ बैठा है वो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। आज के बाद ना तो कोई इसे हफ्ता देगा और ना ही कोई इसकी धमकी से डरेगा। अफसर, कानून का सहारा लेकर मेरे इलाके में मेरे आदमियों के सामने तूने मुझे बेइज्जत किया है, अब मैं कोई सहारा लिए बगैर इसी इलाके में
अपने आदमियों के सामने तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। कुत्ते, वो दिन आने से पहले ये दिलावर तेरी हड्डियों को जेल की सलाखों के पीछे ही सड़वा देगा। ये तेरा आखिरी खेल है। दिलावर के सामने किसी की दिलेरी ना तो आज तक चली है और ना ही चलेगी। अब तू अपनी हर चीज का जोर लगा ले अफसर, तू बचेगा नहीं, नहीं बचेगा तू। इसे भूखा रखा जाए, पैसा तड़पाया जाए, जब तक मेरा इशारा ना हो तो इसे कुछ ना दिया जाए। हाँ, थोड़ी थोड़ी इसकी चमड़ी उधेड़ी जाए बस। दिलावर के सामने दिलेरी दिखाता है, तुझसे जिंदगी की भीख ना मंगवाए तो मेरे नाम में दिलावर रहे। साहब, इसकी जमानत के लिए कोई आया है। अंदर कर दूंगा, कौन है वो? मेरा नाम मैकमोहन है सर, मैं मंगल की जमानत के लिए आया हूँ, और ये है मेरे वकील साहब देवीलाल जी। ये रहे जमानत के कागजात। ऐसे खतरनाक और नामी गुंडे की जमानत करवाने का मतलब समझते हैं आप? ऐसे गुंडे की जमानत करवाने का साफ मतलब यह है कि जहरीली और नशीली गैस को समाज में फैला देना, जिससे समाज का नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। ये सवाल अगर आप जमानत मंजूर करने वाले जज साहब से करते तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता। क्यों, क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल तो दुरुस्त है, लेकिन तुम्हारा दिमाग। खन्ना। यस सर। छोड़ दो मंगल को। मेरी जमानत किसने दी? जिससे कानून दुश्मनी करे उससे हम दोस्ती कर लेते हैं। पारिक सेठ का नाम तो सुना होगा तुमने। कौन पारिक सेठ? अरे पारिक सेठ, जिन्हें सारा बंबई जानता है। अरे भाई, वो डायमंड मर्चेंट। तुम्हारी जमानत के लिए मुझे पारिक सेठ ने ही भेजा है, वो चाहते तुम उनके साथ काम करो। जब तक मंगल अपने काम पूरे नहीं कर लेता, दूसरे काम में हाथ नहीं डालता। अरे सुनो मंगल, ठीक है, जब तुम्हारा काम निपट जाए तब चले आना। ये रहा पारिक सेठ का कार्ड, वो तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। ठीक है। काहे रतिया जगा, लगा तो आया थोड़ा बिस्की ज्यादा हो गई, फिर भी साहब पनवा खाई चूना लगाई के। शट अप। कल शाम को 8 बजे मिलूंगा, फ्रेश रहना, बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय। तुझसे कहा था ना, इसी चौराहे में इन्हीं लोगों के बीच मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। तू क्या मारेगा मुझे कुत्ते की मौत? आज मंगल लगाई देगा टीएसपी को चूना। हे भगवान, आज मारो सपनों कैसे उल्टो हो गयो। दारू नहीं पियो के खाना नहीं खायो। हाँ।
वेलकम हैंडसम वेलकम। केके ने जो तुम्हारी तारीफ सुनी थी बिल्कुल सही निकली। डांसर और सिंगर बनकर माल की हेरा फेरी करना कोई तुमसे सीखे। आपकी तारीफ। ओ, ये रेशमा है, मेरी बिजनेस पार्टनर, मेरी लाइफ पार्टनर वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है हमें इधर उधर की बातें छोड़कर काम की बातें करनी चाहिए। राइट, स्मार्ट गर्ल। इसमें पूरा 10 किलो ब्राउन शुगर है। नहीं नहीं, हमारे यहां पहले रुपयों का बैग खुलता है। श्योर। हाँ। ये क्या पागलपन? ये पागलपन नहीं बल्कि हकीकत है मिस्टर केके, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। You all are under arrest. Hands up, hands up. मगर तुम तो ना ही हम सिंगर है और ना ही डांसर। तुम्हारे यहाँ आने वाले दोनों सिंगर और डांसर इस वक्त हवालात की हवा खा रहे हैं। मैं सीबीआई ऑफिसर विक्रांत हूँ। और मैं हूँ इंस्पेक्टर किरण गुप्ता। रुक जाओ। भागना बेकार है, तुम सब लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। केके, समझदारी इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कांग्रेचुलेशंस विक्रांत, प्लीज सिट डाउन। तुमने और किरण ने मिलकर ब्राउन शुगर के सरदार केके को पकड़ के कानून के माथे पर सफलता का सेहरा बांध दिया है। थैंक यू सर। इट्स आवर ड्यूटी सर। और अब तुम्हारी कामयाबी पर खुश होकर हमारे डिपार्टमेंट ने तुम्हें डीसीपी द्रावर के खून का केस सौंपने का फैसला कर दिया है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम गवाहों के साथ सबूत पैदा करके आजाद घूम रहे खूनी मंगल को उसके गुनाहों की सजा जरूर दिलवाओगे। और ये रही उसकी फाइल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर आपके यकीन पर उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू टू। थैंक यू सर। पिताजी, देखा आपने, आपके आशीर्वाद से आज आपके बेटे को हर कदम पर कामयाबी मिल रही है। विक्रांत, आ गया तू? मिल गई फुर्सत तुझे माँ से मिलने की? मेरी प्यारी प्यारी अच्छी माँ, तू तो जानती है कि जब तक तेरा बेटा अपना फर्ज पूरा नहीं कर लेता तब तक वो बस बस बढ़ाया अपनी बढ़ाई करने वाला। 4 साल से एक अपराधी को हथकड़ी नहीं पहना सका और डींगे मारता है बड़ी बड़ी। कौन है वो अपराधी माँ, क्या है उसका अपराध? अपराधी है पुलिस इंस्पेक्टर मिस किरण गुप्ता। और उसका अपराध ये है कि वो मेरी बहू बनने में उतनी ही देर कर रही है जितनी मुझे जल्दी है। मैं सब समझता हूँ माँ, मगर इस मामले में तू मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दे, सिर्फ कुछ दिनों की। आज ही मुझे मंगल नाम के एक नामी और खूंखार गुंडे का केस मिला है। मैं वादा करता हूँ माँ, जिस दिन उस गुंडे को सजा दिला दूंगा उसी दिन तेरी होने वाली बहू को शादी की हथकड़ियां पहनाकर तेरे सामने ले आऊंगा। बस माँ, अब तो मुझे आशीर्वाद दे दे कि मैं इस काम में जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाऊं। माँ का आशीर्वाद बेटे के साथ हमेशा रहता है बेटा। भगवान तुझे कामयाबी दे, सफल करे। झूठ तो हम कतई न बोले हैं। हाँ, दिलावर साहब का खून हुआ मंगल के रात को 9 बजे, लेकिन मंगल के दिन मारी बोलती और दुकान दोनों बंद रही है जी। मेरी समझ में नहीं आता तुम सब लोग इतना डरते क्यों? आखिर किसका डर है तुम्हें? तुम क्या करते हो? जी हमार पान की दुकानिया है, चूना लगाई के। जिस वक्त डीसीपी दिलावर का खून हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? उस रात तो हम अस्पताल में भर्ती थे। तुम क्या जानते हो इस खून के बारे में? कुछ नहीं जानता सर। सच सच बताओ। सच बता रहा सर। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। इससे क्या पूछता है छोकरे? मैं बताता हूं, मेरा नाम मंगल है और दिलावर का खून मैंने किया है।
इस इलाके में मेरे खिलाफ तुम्हें गवाही नहीं मिलेगी। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो अगले मंगल तक अपना तबादला करवा ले। किसी के डर या धमकी से अपना तबादला करवाने वाला ऑफिसर कोई और होगा मंगल। मैं जिस इलाके में जो काम करने जाता हूं उसे पूरा करके ही दम लेता हूं। आते मंगल तक अगर तुझे हथकड़ियां नहीं पहनाई तो मेरा नाम भी विक्रांत नहीं। लगता है तुझे जिंदगी से प्यार नहीं है अफसर। ठीक है, अगले मंगल आ जाना। इसी चौराहे पर अगर तेरा दम नहीं निकाला तो मेरा नाम मंगल नहीं। खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद। सुनो, हमें मंगल कहां मिलेगा? कहां? तुम मंगल का पता पूछो तो। अरे वो का पता बता दियो तो ई दुनिया में तो हार पता ना ही मिलेगा चूना लगाई के। मंगल का पता पूछता ससुरा। भाई साहब, मंगल का पता मिल सकता है? हमें नहीं मालूम। मंगल कहां मिलेगा? मंगल का पता पूछ रहे हो? इस इलाके में मंगल का पता तुम्हें कोई नहीं बताएगा, सब डरते हैं उससे। मैं बताता हूं तुम्हें मंगल का पता। सीधे जॉन के अड्डे पर चले जाओ, वहां दारू पीता हुआ मिलेगा तुम्हें। गुरु, जब से तुमने दिलावर का खून किया है अपनी तो चांदी हो गई है। क्या लोग आप उनसे यूं घबराते हैं जैसे हमारे अंदर हमारी आत्मा नहीं तुम्हारी खूंखार आत्मा घुस गई हो? अरे मस्का मार रहे। मस्का नहीं, पक्किया की बात, सोले आने सच है मंगल, अपनी तो वाकई चांदी हो गई है। मंगल ये लो मंगल। मंगल, फौरन आकर हमसे मिलो। हमसे मिलने में ही तुम्हारी भलाई है, वरना बात पछताओगे। पता कार्ड के पीछे लिखा है चिनाई। कौन साला? चिनाई एंड कंपनी। पंद्रह मिनट तक मेरा इंतजार करना। अगर मैं नहीं आऊं तो समझ गए। आओ मंगल आओ, हमें उम्मीद थी तुम जरूर आओगे। चिनोय, काम की बात करो। काम की बात यह है मंगल कि आज से तुम हमारे लिए काम करोगे, क्योंकि चिनाई को खूंखार शेर पालने का शौक है। मंगल सिर्फ हुकूमत करना जानता है, किसी की गुलामी नहीं। इस बात का फैसला इन तस्वीरों पर छोड़ देते हैं, देख लो। ये तस्वीरें मेरे ही आदमियों ने खींची हैं मंगल, जो तुम्हें बाकी की जिंदगी जेल की चक्की पिसवा सकती हैं। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है साले। किसे मंगल, ये भी तेरी तरह हुकूमत करना चाहता था, इसे भी गुलामी पसंद नहीं थी, इसने भी तेरी तरह मेरे घर में आके मुझ पे हाथ उठाने की गलती की थी, और अंजाम देख क्या हुआ। तब से अब तक ये मेरी गुलामी किया जा रहा है, और आज एक और गुलाम का इजाफा होगा। भूल के रख दूंगा। आप उनका नाम पक्किया है क्या? हट कर दो दोनों को। हाँ।
छोड़ दे इसे। तूने धोखे से वार करके ये साबित कर दिया कि तेरी रगों में किसी कुत्ते का खून है। मैं तुझे मौका देता हूं, भाग सकते तो भाग, भाग हरामजादे। मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली है। ये देखो, ये है परवीन भाई पारी। कहने का तो डायमंड मर्चेंट है, लेकिन धंधा करते हैं ब्राउन शुगर पूरे गुजरात में सप्लाई करने का। ये है उनका खास आदमी मैक, जो परवीन भाई का पूरा दो नंबर का धंधा संभालता है। ये चिनाए है, ये भी दो नंबर ही था, लेकिन दो दिन पहले इसका और इसके सारे साथियों का खून हो गया। चिनाय के साथियों की लाशों में पुलिस को दो लाशें उन आदमियों की बरामद हुई जो मंगल के साथी थे। किरण, बस यही दो लाशें मुझे मंगल को हथकड़ी पहनाने के लिए काफी है। वेलकम मंगल, वेलकम वेलकम, खुशामदीद, मुझे पारेख कहते हैं। हाथ मिलाने से पहले अच्छी तरह सोच लो पारेख। हाथ मिलाकर जो लोग हाथ खींचने की कोशिश करते हैं ना, मंगल उनके हाथ काट कर फेंक देता है। वाह मंगल वाह, क्या बात कही है। लेकिन पारिक भी डायमंड मर्चेंट है, हीरों का व्यापारी। वो एक ही नजर में पहचान लेता है कि हीरे की कीमत क्या है। अब तो यकीन हो गया ना मंगल, ये पारिक को नायाब हीरे ही पसंद है। रेशमा डालिंग, इधर आओ, हम तुम्हें अपने नए साथी से मिलवाते हैं। नया साथी तुम्हें मुबारक हो, मुझे साथी बदलने की आदत नहीं। ओह डोंट बी सिली रेशमा, तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। आओ मंगल, ये रेशमा है, और रेशमा ये है मंगल। हेलो, बाहर से जितनी मुलायम हो अंदर से इतनी सख्त लगती हो। अंदर की सख्ती देखने की कोशिश भी मत करना, वरना। ओफो रेशमा, कभी तो अपना मूड अच्छा रखा करो। मंगल तुम इसकी बात, हसीनों की हर बात हसीन होती है, और मंगल हसीनों की बात को बुरा नहीं मानता। अरे वाह मंगल, तुम तो पारिक से भी ज्यादा रंगीन मिजाज निकले। तो फिर मंगल ये समझ लिया जाए कि तुम पारिक सर के साथ काम करने के लिए तैयार हो। मंगल नहीं, पारिक मंगल के साथ काम करना चाहता है। तो फिर हो जाए इस बात पर जश्न हंगामा, क्यों रेशमा? चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। गुड लक मंगल, गुड लक। आज का ये पहला जाम तुम्हारी और हमारी दोस्ती के नाम। देखा मंगल, तुम्हारे साथ काम करके पारिक सर कितने खुश हैं। आज से पहले मैंने कभी इनको इतना खुश देखा ही नहीं। मेरा ख्याल है मैक, तुम्हें हीरो का व्यापार छोड़कर मक्खन का धंधा शुरू कर देना चाहिए। मतलब मैं समझता हूँ पारिक सेठ। लगता है तुम बहुत समझदार हो। ओ कम ऑन रेशमा डार्लिंग, आज के दिन ऐसी जली कटी बातें मत करो। एक्सक्यूज मी, ऐसी हसीन कमसिन लड़की इन दरिंदों की दुनिया में कैसे फंस गई? तुम जैसा कोई हमदर्दी जताने वाला अपनी बातों में फंसाकर मुझे यहां ले आया। अब मुझसे ये मत पूछना कि क्या मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूं, क्योंकि इस ग्रुप में आने वाले हर नए मर्द ने मुझसे यही सवाल किया है। यहां की आशिकी सिर्फ एक रात की होती है, और मुझे एक रात का मेहमान बनने का कोई शौक नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं एक
बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती। ये बातें मैं बरसों से सुनती आ रही हूँ और अब मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या हुआ रिश्मा डार्लिंग? बड़े तेज दिमाग की लड़की है भाई। खैर छोड़ो आप उसकी, अब कुछ धंधे की बात की जाए। बहुत दिनों के बाद माजी से मिल रही हूँ, लगता आज डांट खाने को जरूर मिलेगी। अरे नहीं, अब उसे डांटने जैसे उम्र भी तो नहीं रही भाई साहब। अब उसे समझाना मेरी बस की बात नहीं। अरे बहन, जो नहीं समझते है ना उन्हें जबरदस्ती समझाना पड़ता है। किरण बेटी मेरी है लेकिन है बहुत जिद्दी। ऐसा करते हैं उन दोनों की शादी की तारीख पक्की कर देते हैं और पहना देते हैं दोनों के हाथों में शादी की हथकड़ी।
अब कैसे बुझेगी, ढूंढ निकाली है तुम दोनों को पहनाने के लिए। नई हथकड़ी पापा? हाँ बेटी, जो दूसरों को हथकड़ियां पहनाते हैं उनको भी कभी ना कभी दूसरों के हाथों हथकड़ी पहननी पड़ती है। अंकल मैं कुछ समझा नहीं। वो बाद में तुम्हारी मम्मी तुम्हें समझा देगी बेटे, पहले मेरी बात गौर से सुन लो। कल रक्षाबंधन है, हमने जेल में कैदियों को राखी बांधने का प्रोग्राम रखा है, तुम कल अपनी मम्मी को लेकर वहां आ जाना। अरे अंकल हम दोनों आपका कहना कैसे टाल सकते हैं, हम कल वहां जरूर आएंगे। राखी बंधवाने मत जाना, कम्मा ने तुम्हें देख लिया तो उसकी नफरत की शोले तुम्हें जला देंगे। इसी तरह सोचते रहोगे तो जेल से बाहर निकलकर जियोगे कैसे, भूल जाओ वो सारी बातें। अब थोड़े ही दिनों में तुम रिहा हो जाओगे और उसके बाद तुम्हें दुनियादारी में ही जीना। इतना याद रखना मंगल कि जिस पार्टी से तुम सौदे की बात करने जा रहे हो वो बहुत बड़ी पार्टी है। वैसे तो मैं भी तुम्हारे साथ होगा लेकिन सौदा करोगे तुम। अगर ये सौदा हो गया तो हम सबके साथ माला बात है। आज पहली बार सफेद पोशाक वाले के घर ये खाकी वर्दी वाले, आपके पवित्र चरण हमारी चौखट पर। वैसे मैं आपका नाम नहीं जानता मिस्टर मंगल। अच्छी तरह से जानता है पारिक सेठ। क्यों मंगल, याद है ना मैंने तुझसे कहा था कि अगले मंगल तक अगर मैंने तेरे हाथों में हथकड़ियां नहीं लगा दी तो विक्रांत नाम नहीं मेरा। जिनाई के खून के जुर्म में तेरे नाम का वारंट लाया हूं मैं। You are under arrest. मंगल को हथकड़ी पहनाने के लिए तेरे हाथों में कितना दम है मैं अभी देख लेता। नहीं मंगल नहीं, समझदार लोग कभी खाकी वर्दी वालों पर हाथ नहीं उठाते।
अगर इनसे टकराना है तो शतरंज की चाल चलना सीखो। मैं कोई चाल वाल नहीं जानता पारिक, मैं सिर्फ इतना जानता हूं आज तक न मैंने हथकड़ी पहनी है न कभी पहनूंगा। हथकड़ी पहनने की नौबत ही नहीं आएगी, चुपचाप इंस्पेक्टर के साथ जीप में बैठ जाओ और आज पारिक को भी आजमा लो। अगर हमने तुम्हें पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां भी चढ़ने दी तो हमारा नाम पारिक सेठ नहीं समझे। इंस्पेक्टर रंजीत, मंगल को अंदर ले जाओ। विक्रम साहब, आप मंगल को अंदर नहीं ले जा सकते, मैं उनकी जमानत के लिए आया हूं। मंगल की जमानत किसी भी हालत में मुमकिन नहीं है वकील साहब। इसका फैसला आपके हाथ में नहीं है इंस्पेक्टर विक्रांत, इसका फैसला यह है जो जज साहब ने किया है। वकील साहब, ये रहे मंगल की जमानत के पेपर जो मैं जज साहब के घर से लाया हूं। इंस्पेक्टर रंजीत। यस सर। मंगल को छोड़ दो। देखा मंगल, एक बार हम जिससे दोस्ती का हाथ मिला लेते हैं उसे कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने नहीं देते। आओ। जवाब देने आया है या कानून का कोई नया हथकंडा लेकर आया है? कानून के हथकंडों से तो तुम बच गए मंगल, लेकिन आज मुझसे नहीं बच पाओगे। ओहो, हा हा। मंगल, अपने चैलेंज का फैसला अब जमीन पर पड़ी वो रिवॉल्वर करेगी। गोली वही चलाएगा जो पहले रिवॉल्वर उठाएगा। तुम मौत का सामान साथ लेकर आए हो। मारने के लिए दूसरा जन्म देना पड़ेगा। तुझे तेरी मां की कसम, अगर तूने इस पर गोली चलाई तो फेंक दे ये पिस्तौल। मैं कहती हूं फेंक दे ये पिस्तौल।
सोच रहा है बेटे? जी कुछ नहीं। जा अपने घर जा, तेरी माँ राह देख रही होगी। क्या हमारी लक्ष्मी जिंदा है? हाँ माँ, मैंने अपनी आंखों से बुआ को देखा है। अगर तू भी देखना चाहती है तो चल मेरे साथ। चल। हमसे तेरी भैया को छीन लिया लक्ष्मी, छीन लिया कमला। अरे ये क्या, ये भी कोई तरीका है मिलने का? माँ और बुआ जी, इतने बरसों के बाद का मिलन आंसुओं में डूबकर नहीं, खुशियों में झूमकर होना चाहिए। कभी कभी जरूरत से ज्यादा खुशी भी रुला देती है बेटे। लक्ष्मी, ये मेरा बेटा विक्रांत है। प्रणाम बुआ जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इसका मतलब अपना ही खून अपने खून का पैसा बन गया था। हे भगवान, आज अगर मैं वक्त पर न पहुंचती तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। अरे आप जैसी बुआ के होते हुए अनर्थ कैसे हो सकता है? हाँ, मगर हम दोनों पर जुल्म जरूर हो रहा है, क्योंकि आप हमें बैठने के लिए तो कहती नहीं, और शायद लगता है। बातों बातों में मैं तो तुम लोगों को बैठा नहीं भूल गई। आओ कमो, आओ बेटा। आज मैं तुम्हें अपनी टूटी हुई तकदीर की उलझी हुई कहानी सुनाती हूँ। भगवान भला करे करीम मियां का, जिन्होंने तुम्हें बचा लिया। कितनी दुख भरी कहानी है तुम्हारी, कितने दुख उठाए तुमने लक्ष्मी, और हमें खबर तक नहीं की। क्या करती, भैया के माथे पर कलंक बनकर उनके पास रहने की हिम्मत नहीं थी मुझमें, और फिर भैया भी नहीं रहे। कम खा गया होगा उन्हें, मैं जानती हूँ। ओफो बुआ, जब से आप दोनों एक साथ बैठी है ना, रोने धोने के सिवा कोई दूसरी बात ही नहीं की। ऐसा लगता है कोई ट्रेजेडी फिल्म देख रहा हूँ मैं। सुना, ठीक ही तो कहता है। और नहीं तो क्या। अच्छा लक्ष्मी, ये तो बता कैसा लगता है मंगल? शक्ल सूरत बिल्कुल तेरे भाई की है, कुछ फर्क नहीं है। अच्छा। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके ही नक्शे कदम पे चल रहा है। सलाम। गुड मॉर्निंग गौरसेज। गुड मॉर्निंग। क्या सोच रहे हैं गौरसेज? मैं ये सोच रहा हूं कि हमारे धंधे में कभी कभी नए लोग भी कितने पुराने लगते हैं, क्यों छोटे? हाँ बड़े, मैं भी वही सोच रहा हूं जो आप सोच रहे हैं। तुम्हारी तारीफ। पारस सेठ, ये मंगल है, और मंगल ये है गोरख सेठ, और ये इनके छोटे भाई पारस। हम आपको पहले बता दें मंगल साहब कि हम थोक के व्यापारी हैं। छोटा धंधा ना तो हम करते हैं और ना किसी छोटे व्यापारी में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे यहाँ 50 किलो ब्राउन शुगर हर हफ्ते तैयार होती है। हाँ, अगर तुम इसे खरीदने की ताकत रखते हो तो। ए, नाम क्या है आपका? पारस। पारस सेठ, अगर 50 टन भी सप्लाई कर सको तो भी सौदा करके ही जाऊंगा। ओह गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सेठ जी, आपके लिए फोन। एक्सक्यूज मी, बैठिए। ये तुमने क्या किया मंगल? आए थे बात किलो की करने, अब टनों की बात करने लगे। सौदा करने मैं हूं मैं, और जो मुझे ठीक लगता है वही करता हूं। भाई, ये तुम्हारी पसंद नापसंद का सवाल नहीं है, सवाल है बिजनेस का, और तुम इस बिजनेस में बिल्कुल नए हो, तुम्हें मालूम है पारस से। ओके मंगल, हमें तुम्हारा सौदा मंजूर है।
मैक, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो कुछ बातें मैं मंगल से अकेले में करना चाहता हूँ। अकेले में? मुझे क्या एतराज हो सकता है? नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ओके ओके मंगल। खास बात करनी है। देखते जाइए मंगल साहब। मेरी आंखों के सामने तुमने हमारे आदमी मैक की जान ले ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रिलैक्स रिलैक्स मंगल रिलैक्स। अगर हम चाहते तो मैक के साथ तुम्हें भी भेज सकते थे, लेकिन हम दोस्ती में जान देते हैं लेते नहीं। मैक की जान लेने के लिए पारिक ने हमसे कहा था टेलीफोन पर। Thank you.
इस धंधे में जब कोई जहर उगलने लगे तो उसका फन कुचले बगैर हम पानी तक नहीं पीते। मैं जहर उगलने लगा था, वो रास्ते में ही हमारा माल लूटने की साजिश कर रहा था। साजिश कौन कर रहा था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं को मारने की साजिश तुमने इसलिए की है कि मैं तुम्हें मिल गया। कल मेरी जगह कोई और भरोसे वाला आदमी आ गया तो तुम मेरा पता भी साफ कर दोगे। मैं तो साला पागल था, लेकिन मैं तेरा बाप हूं बाप। इन फालतू बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है मंगल, धंधे की बात करो। मैंने गोरख की सब शर्तें मान ली हैं, 10 लाख के बिजनेस में वो इंटरेस्टेड नहीं। मतलब? उसके यहाँ हर हफ्ते 50 किलो ब्राउन शुगर पैक होती है और वो उसी पार्टी के साथ बिजनेस करना चाहता है जो उसका सारा माल खरीद ले। मतलब ये कि मुझसे पूछे बगैर तुमने हाँ कर दी? तुमने सौदा करने के लिए मुझे भेजा था ना। गोरख छोटे व्यापारी से धंधा करना नहीं चाहता और मंगल छोटा व्यापारी बनना नहीं चाहता। मगर हम उन बेवकूफ व्यापारियों में से नहीं है जो एक साथ इतना माल उठा सके और फिर उसे खपा सके। एक बात सुन ले पहले, मंगल सीढ़ियां गिनकर जाने का आदि नहीं है। मैं लिफ्ट से जाना पसंद करता हूँ। तुम्हारी लिफ्ट और तुम्हारा सौदा तुम्हें मुबारक हो। हम तुम्हारी जबान की धार पर ना तो अपने आप को रख सकते हैं और ना ही अपने धंधे को। गोरख को जबान तुमने दी है, इसलिए धंधा तुम ही करोगे, हम नहीं। लगता है आज तुम्हारा मूड कुछ उखड़ा हुआ है। पारिक जैसे जबान के कच्चे आदमी के साथ तुम्हारा मूड ठीक रह सकता है, मेरा नहीं। मैंने आज उसका साथ छोड़ दिया है। मेरी बात मानो, तुम उसका साथ छोड़ दो। मंगल, तुम्हें याद है मैंने अपनी पहली मुलाकात में ही कहा था कि मुझे साथी बदलने की आदत नहीं है। मुझे पारिक मत समझना रेशमा। उस दिन पहली बार जब तुम्हें देखा तुम अच्छी लगी। तुम चाहो तो जिंदगी भर मेरी बीवी बनकर रह सकती हो। मेरी बात पर गौर करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे तेरी हराम की कमाई नहीं चाहिए, फिर क्यों चला आता है मेरे जख्मों पर नमक का छिड़काव करने? मेरा दिमाग खराब है, मैं चला आता हूँ। माँ का घर समझ के चला आता हूँ, ये जानते हुए भी कि माँ माँ नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा सुलूक करती है मेरे साथ। अरे मैं नहीं चाहता लोगों के सामने तो हाथ फैलाए, भीख मांगे उनसे, उनके जूठे बर्तन मांजते मांजते तेरी जिंदगी खिस जाए। इसलिए आता हूँ कि ले, ये ले रख ले। इसकी जगह मेहनत मजदूरी से 2 वक्त की रोटी मुझे ला देता तो मुझे फक्र होता कि मैं एक ईमानदार बेटे की माँ हूँ। लेकिन तुझे देखती हूँ तो शर्म और अफसोस से मेरी आंख छुप जाती है। तुझे इस बात का अफसोस है ना कि तू मेरी माँ है, और मुझे इससे भी ज्यादा अफसोस है कि मैं सालिम की औलाद हूँ जिसने तुझ पर जुल्म खाया है। जुल्म करने वाला जुल्म करने के लिए मजबूर था। ऐसी कौन सी मजबूरी थी उसकी जिसने तुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया और मुझे मुझे हरामी का नाम देकर एक कुत्ते की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया। वो तेरी नजरों में मजबूर होगा लेकिन मेरी नजरों में बहुत बड़ा मुजरिम है वो। मुजरिम तो तू है जो जानबूझकर बेकसूर लोगों पर जुल्म ढा रहा है, खून बहा रहा है उनका। हाँ, बहा है खून और भी बहाऊंगा। इस दुनिया ने मुझे क्या दिया है? ठोकरें, नफरत, जलालत। इस दुनिया ने जो मुझे दिया है ना वो इस दुनिया को लौटा रहा हूं मैं। और देख मां,
मैं तेरे से बहस करने नहीं आया, मैं रुपया देने आया हूँ, रख ले। नहीं चाहिए मुझे तेरे ये रुपये, आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, चला जा यहाँ से, मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। चलता हूँ। हे माँ, पता नहीं ये कब सुधरेगा, मैं क्या करूँ माँ, लक्ष्मी, पहचाना मुझे, मैं हूं धर्मा। हाँ, जिसके पाप की सजा तुम आज तक भुगत रही हो, मैंने जेल में सुना था कि तुम भगवान का लाख लाख शुक्र कि तुम जिंदा हो, तुमने तो मुझे माफी का मौका भी नहीं दिया। प्रायश्चित की साख में पिछले 30 साल से चल रहा हूं, मैं इस लायक नहीं कि मुझे माफ किया जाए, लेकिन हो सके तो इस पापी की झोली में माफी की भीख डाल दो। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप, मुझसे माफी मांगकर मुझे इतने बड़े पाप की भागी मत बनाइए। तू पाप की भागी कैसे बनेगी लक्ष्मी, पाप का भागी तो मैं बन गया था, लेकिन आज आज भगवान ने मुझे अपने पाप के प्रायश्चित का मौका दे दिया। सच कौन आया है? तुम हो मेरी बहन। कम हो मेरी बहन, कैसी है तू, कितने साल हो गए तुझसे दूर हुए, तुझे देखने को आंखें तरस गई थी मेरी। मैं भी हर पल तुम्हें याद करती थी भैया, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मगर विजय के दिल में तुम्हारे लिए नफरत मरते दम तक जिंदा थी, और शायद वो जायज भी थी, इसीलिए मैंने तुमसे मिलने की कभी हिम्मत नहीं की। तुम सब तो अपने अपने फर्ज निभाते रहे, लेकिन मैं गलतफहमी के अंधेरे में भटकता रहा, मुझे डर था कि कभी तुम लोग माफ नहीं करोगे, आज तुमने मुझे माफ कर दिया। मां, मैंने तुझसे कहा बेटा, आ बेटा, आज मैं तुझे तेरे मामा से मिला दूं, विक्रांत है इसका नाम, मेरा बेटा। अरे बेटे, जीते रहो। आज की रात मंगल की जिंदगी की आखिरी रात बना दो। डायमंड क्लब में बैठा वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, उसके वहां से निकलते ही उसे खत्म कर दो। जाओ। मंगल,
किसका आदमी है? किसका आदमी है? किसने भेजा? किसने? बता दो, हमें पारिक सेट ने भेजा है। हंसो और हंसो। मंगल की मौत के नाम शराब के जाम टकराव। मंगल की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं पारेख कि तेरे पालतू कुत्ते ले सके। मंगल से जिसने भी टकराने की कोशिश की उसे मौत ही मिली है, सिर्फ मौत। ये हार और काली दुनिया के बेताज बादशाह की यह कुर्सी हम सब की तरफ से तुम्हें मुबारक हो मंगल। आज से तुम काली दुनिया के किंग कहलाओगे। दोस्तों, मैं वचन देता हूं कि मेरे कंधों पे जो जिम्मेदारी आप लोगों ने डाली है मैं अपने आखिरी दम तक निभाता रहूंगा। किस लिए आए हो? मैं यहां तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूं मंगल, अगर उस कुर्सी पर बैठने की नहीं, कानून से मिलने वाली मौत की। क्योंकि गुनाह के दुनिया में अब तुम इतने आगे निकल चुके हो कि उसकी मंजिल सिर्फ मौत है। सामने दीवार पर लगे उन तस्वीरों की तरफ देखो, ये सब लोग भी तुम्हारे ही रास्ते पर चले थे। इन सबका अंजाम तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये सब लोग बेमौत मरे थे। यही बकबक तूने इस घर की चार दीवारी के बाहर की होती तो हम तुम्हारा सीना गोलियों से छल निकल देते। अब तुम दुनिया भर का कानून अपने साथ लेकर चलना विक्रांत, मंगल तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। कानून को कभी कमजोर मत समझना मंगल, वो सिर्फ गरजता ही नहीं बरसता भी है। और अब वो दिन दूर नहीं जब हम तुम्हें बरस कर भी दिखा देंगे। गोरख सेठ, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपने मंगल को डॉन क्यों बनाया। शाका, अगर तुम लोगों के दिमाग इतने तेज होते तो हमारी जगह पे तुम होते और तुम्हारी जगह पे हम होते, क्यों छोटे? बिल्कुल बड़े, आज तक ये बात किसी की समझ में नहीं आई कि हम जिसे उस कुर्सी पे बिठाते हैं उसे मौत की चादर अपने हाथों से उड़ाते भी हैं। मंगल एक ही रात में करोड़पति बनना चाहता है ना, उसे लिफ्ट से जाने का बहुत शौक है। चंद ही दिनों में हम उसका यह शौक पूरा कर देंगे। मगर बड़े, इस बार प्लान बहुत ही खतरनाक बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारी टक्कर मंगल से है और हमें उसे खत्म करना है। छोटे, प्लान मैंने बना लिया है, सुनो। खबरदार, तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। आग लगा दूंगा इस कानून और इन कानून वालों को, काट के रख दूंगा वो हाथ जो मेरे माल तक पहुंचे। पता लगा कौन है वो? पता लगाने की जरूरत नहीं है मंगल, पता लग चुका है। कौन है वो? सीबीआई ऑफिसर विक्रांत। विक्रांत? हाँ विक्रांत, तुम ही ने तो उसे भड़काया था कि गरज के नहीं बरस के दिखाओ। उसने बरस के दिखा दिया, क्यों छोटे? हाँ बड़े, और खबर मिली है कि आज उस ऑफिसर विक्रांत की सगाई हो रही है। मंगल से टकराने वाले की सगाई नहीं होती, शादी होती है, वो भी मौत से। मजा आ गया ना छोटे, मजा आ गया ना? हाँ बड़े। देखा ना छोटे कैसी रही अपनी चाल, मैंने कैसे अपने आदमियों को पुलिस की वर्दी में भेज के मंगल का माल ऐसे पकड़वा दिया है? मजा तो तब आएगा बड़े जब धर्मा का बेटा मंगल और उसकी बहन का बेटा विक्रांत आपस में टकरा कर मर जाएंगे। मरने दे सालों को।
अब जल्दी से अच्छा मुहूर्त निकालकर कर देते हैं शादी। कोई अपनी जगह से हिला तो भून के रख दूंगा। मंगल तुम जान प्यारी हो तो बता दे माल कहाँ है। मंगल पागल तो नहीं हो गया तू? तू जानता है ये कौन है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये मेरा दुश्मन है। नहीं नहीं, ये तेरा दुश्मन नहीं है, ये तेरा भाई है, ये मेरी बहन का बेटा है, और पगले तू मेरा बेटा है। मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, कोई नहीं है मेरा बाप। आज जुक्त मैं हूँ तुम्हारी वजह से। विक्रांत टेलीफोन घुमाओ और कह दो अपने कुत्तों से मेरा माल मुझे वहीं वापस लौटाने जहां से पकड़ा था। मंगल तुम कौन से माल की बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारा कोई माल नहीं पकड़ा है। विक्रांत ठीक कह रहा है मंगल। रेशमा? हाँ मैं तुम्हारी आंखों से दुश्मनी की वो पट्टी उतारने आई हूँ जो गोरख और पारस ने बांधी हुई है। कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हारा माल विक्रांत ने नहीं पकड़ा बल्कि उन्हीं के लोगों ने पुलिस की वर्दियां पहनकर पकड़ा है। क्या क्या कह रही हो? हाँ मैं वही कह रही हूँ जो मेरी आंखों ने देखा है और मेरे कानों ने सुना है। उन लोगों ने तुम्हें विक्रांत के खिलाफ भड़काकर यहाँ भेजा ताकि तुम अपने ही खानदान के खून के साथ होली खेल सको। ये लड़की ठीक कहती बेटे, ये पाप की आंधी पारस और गोरख की चलाई हुई है जिसकी वजह से हमारा सारा खानदान बिखर गया। पारस और गोरख की इस गंदी साजिश के भंवर में हमारा पूरा खानदान फंस गया, मेरी बहन की इज्जत लुट गई, विक्रांत के बाप को अदालत में झूठ बोलना पड़ा, तुम्हारी माँ के साथ इतना बड़ा अनर्थ हुआ, और बेटा मुझे तुम्हारी नफरत का जहर पीना पड़ा। बाबा मुझे माफ कर दो। बाबा मैं वादा करता हूं अब उन पापियों को मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ बेटे इस साजिश की सजा उन्हें मिलेगी, इसके साथ मैं उन्हें दूंगा। हाँ बेटे हाँ। अब तो यकीन हो गया ना शाका कि हम डॉन की कुर्सी पर उसी को बिठाते हैं जिसके दिन पूरे हो जाते हैं। क्यों छोटे? हाँ बड़े, आज मंगल का दिन पूरा हो गया। हाँ। इधर वो मरेगा और इधर हम उसकी तस्वीर पर हार चढ़ाएंगे। ये क्या छोटे, किसने किया ये? रामजादा, तुम आदमी को पहले मारते हो फिर उसकी तस्वीर लगाते हो, लेकिन मैं पहले तस्वीर लगाता हूँ फिर उसकी जान लेता हूँ। लेकिन हमारा गुनाह क्या है? हमारे खानदान की तबाही की जो कहानी तुम लोगों से शुरू हुई थी आज तुम दोनों की मौत के साथ खत्म होगी। जंजीर में बंधे इस मुर्गे की तरह तू भी तड़प ले मंगल, तेरा अंजाम भी यही होने वाला है। क्यों छोटे? हाँ बड़े, दिखाए थे मंगल इस तेजाब में जाएगा ऐसे। Ah!
बहुत जान है इसके इन हाथों में, क्यों छोटे? हाँ बड़े, इसके ताकतवर हाथ मैं तोड़ूंगा। तेजाब में न जाने कितने बेगुनाहों को तूने मौत के घाट उतारा है, लेकिन आज इसे खोलते तेजाब में तेरी हड्डियां तैरती हुई नजर आएंगी।
चलूं।